जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सीमावर्ती जिले के पशवारी इलाके में दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला एकमात्र पुल एक बार फिर बाढ़ का शिकार हो गया, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने स्वेच्छा से पुल का निर्माण किया था, लेकिन इसके पतन ने एक बार फिर हमारे संचार को काट दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 साल से अधिक समय पहले इस पुल के पास एक बड़े पुल के निर्माण के लिए काम शुरू किया था, लेकिन एक या दो स्तंभों के निर्माण के बाद काम रोक दिया गया। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि हमने दान के साथ पुल का निर्माण किया था, लेकिन अब बाढ़ के कारण यह फिर से ढह गया। जब सरकार ने पुल पर निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया तो हमने स्वेच्छा से दान एकत्र किया और पास में एक पुल का निर्माण किया, लेकिन बाढ़ के कारण यह फिर से ढह गया, जिससे लगभग 40 गांव प्रभावित हुए हैं। उनका एक दूसरे से संपर्क टूट गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 साल से अधिक समय पहले पुल का निर्माण शुरू किया था, लेकिन एक या दो स्तंभों के निर्माण के बाद अज्ञात कारणों से काम रोक दिया गया था। उन्होंने कहा कि एक बार फिर हमने फंड जुटाने का फैसला किया है, लेकिन जल स्तर अभी नहीं गिर रहा है। एक अन्य निवासी ने कहा कि अगर सरकार ने एक ठोस पुल का निर्माण किया होता तो यह मामूली बाढ़ की वजह से नहीं गिरता और लोगों को किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़ता। श्रीनगर से फिरदौस कादरी की रिपोर्ट। जी, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपका मसला क्या है? मेरा नाम बशीर अहमद, हम पिशवारी के रहने वाले हैं, जो कि नाले कहमिल के किनारे पर वाका है, जिसकी आबादी कम से कम 500-600 लोग है। और हमारा एक पिछले 15 साल से यह पुल यहाँ जे के पी सी बना रहे थे, पिछले 15 सालों से इस पर काम अभी नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या वजह है, जाते हैं पी सी वालों के पास, वो बोलते कि डी साहब बोल, डी साहब के पास जाओ तो हमारे पास फंड्स नहीं है। फिर हमें इस बरकस हमने फिर कम से कम 15 साल तक इंतजार करना पड़ा। फिर हमने राज नवंबर में, जब हमें हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे थे, प्राइवेट स्कूल में जा रहे पढ़ने के लिए, लेकिन इनका कोई लिटरी, अगर हम यहाँ से जाएंगे गाड़ी में तो इनको लगता है 50 रुपये किराया, यहाँ से शॉर्ट कट 15 मिनट का रास्ता है। 15 मिनट रास्ता होने के नाते हमने फिर डोनेशन करके गांव में किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 10 रुपया करके फिर हमने ये पुल बना रखा था। लेकिन बदकिस्मती से मार्च के महीने में फिर सैलाब आ गया और ये फिर दरियाबर्द हो गया था। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि जे के पी सी वाले भी नहीं करते हैं। फिर हम आज हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो फिर इनका और भी मुश्किल हो जाने के लिए। अब हम डीसी साहब और इन गवर्नर एग्जाम से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस पसमदा गांव की तरफ से खास तवज्जो दी और हमें इस से नजात दिलवाए। मेहरबानी करके आपकी वसालत से हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब को, गवर्नर इंतजामिया को, कि हमें इस दरिया से नजात पाए और हमें यहाँ से पुल पार करने के लिए कुछ हमारे अहकाम करें। आपको पता ही है कि पहला ये है कि मैं यहाँ ही रहता हूँ, यहाँ का लोकल हूँ, मैं पिशवारी का हूँ मैं। क्योंकि आपको पता है कि ये पुल पिछले तकरीबन 20 साल से बन रहा है, तो पुल ना होने की वजह से हम लोगों ने पिशवारी लोगों ने हमारा जो यहाँ पे अवकाफ कमेटी, हमने पैसा जमा करके ये पुल तैयार किया। क्योंकि तकरीबन एक महीने पहले यहाँ पे एक सैलाब आया था, जिस दिन बारिश पड़ी थी तो उसने ये पूरा पुल जो हमारा था पूरा सैलाब में बह गया। तो आज हम गवर्नमेंट इंतजामिया से, जो हमारा गवर्नमेंट इंतजामिया अभी यहाँ पे है, डी साहब से भी अपील करते हैं कि हमारा जो ये पुल है जल्द से जल्द कंप्लीट करें। क्योंकि डी साहब खुद भी आए थे बैक टू विलेज टू में, उसने हमारे साथ पंचायत में ये प्रॉमिस किया था कि हमारे पास पैसा है, लेबर नहीं है। क्या वजह हुआ कि अगर पैसा है लेबर क्यों नहीं है, लेबर हम भी दे सकते थे, लोकल लेबर, लेकिन ना पुल तैयार हो रहा है, जो हमारी मुश्किल है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि इस ये पुल पिशवारी के लिए नहीं, बल्कि जो हमारा ये इलाका है, हांजीपुरा है, कुनन है, पोशपुरा है, जैसा हमारा दीदीकूट है, गोटिंग है, ये पूरा एक जो यहाँ पर हमारा इलाका, इसी पुल की बिना पे हम एक दूसरे से मिल पाते हैं। क्योंकि स्कूल बच्चे भी कुनन जाते हैं, वहाँ के लड़के यहाँ आते हैं कार्यमा स्कूल के लिए, लेकिन पुल होने की न होने की वजह से सफ़र करना पड़ता है, घुसी से जाना पड़ता है, ताकि 10-15 किलोमीटर हमें रोज़ाना ये निकालना पड़ता है। और मैं अपनी वसात से, हमारे लोगों की वसात से, गोरी मंदिर से ये अपील करता हूँ कि ये जो हमारा पुल है, अगर आपके पास पैसा है तो लेबर आप खुद इंतजाम करें। क्योंकि पीसीसी, हम डिपार्टमेंट के पास भी गए थे, वो कह रहे हैं कि डी साहब हमें पैसा नहीं दे रहा है। डी साहब कह रहे हैं कि पैसा है लेबर नहीं है। आज लेबर भी है, पैसा भी है, तो पुल का काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.